मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ से इनकार कर अखिलेश सोच रहे थे कि वो अकेले साइकिल को रफ्तार देंगे, लेकिन अब उनके साथ ही कांग्रेस का हाथ थामकर साइकिल की हवा निकालने की तैयारी में है। सपा ने जिन 6 प्रत्याशियों को टिकट देने का ऐलान किया था, उनमें से अर्जुन आर्य ने सपा की ओर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का महामुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार मैदान में ज्यादातर पार्टियां अपने दम पर ताल ठोक रही हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ सपा और बसपा भी सभी सीटों पर अपना दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में सपा की साइकिल को रफ्तार देने के लिए ही अखिलेश ने कांग्रेस के बागियों को टिकट देने का ऐलान किया था। सपा प्रमुख अखिलेश का कहना था कि जिसे कांग्रेस में सम्मान ना मिले वो सपा में आ जाए, लेकिन लगता है कि सपा के साथ ही कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधनी में अर्जुन आर्य ने समाजवादी पार्टी से टिकट लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल 2 दिन पहले ही सपा प्रमुख ने रेस में आगे निकलने के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। उनमें से अर्जुन आर्य भी एक थे, लेकिन उन्होंने सपा की टिकट से लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर टिकट देगी तो वो उसी पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अर्जुन आर्य पहले बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने कमल का साथ छोड़ दिया। उन्होंने सितंबर में शिवराज सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से बगावत कर सपा के साथ का ऐलान किया, लेकिन अब वो सपा की साइकिल को नहीं बल्कि कांग्रेस के हाथ को ताकत देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसान विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ने का सशक्त विकल्प प्रदेश में कांग्रेस ही है। वहीं सपा को मिले इस झटके के बाद अखिलेश ने कांग्रेस को आंख दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कांग्रेस का हाथ हो तो उसे सोचने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की इन हरकतों की वजह से बीएसपी उनसे दूर हो गई है। अखिलेश कांग्रेस को झटका देने की सोच रहे थे, लेकिन यहां तो उनकी ही साइकिल पंचर हो रही है, जिससे उनका तिलमिलाना लाजमी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।